बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कनाडा IRCC की तरफ से। दोस्तों रिसेंटली दी कैनेडियन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कम्युनिटी ने 2.1 मिलियन बैकलॉग को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं इमिग्रेशन मिनिस्टर से और उनकी टीम से, जिससे हमें पता चल सकेगा कि आने वाले दिनों में कौन कौन अपने रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किन किन के रिजल्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। तो चले फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चले शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, बिल्कुल दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दी कैनेडियन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कम्युनिटी की। दोस्तों उन्होंने कनाडा IRCC को बताया कि फेडरल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमेशा से जो है वो मॉनिटर करते हैं तमाम चीज़ों को, जिसको देखते हुए आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। और कनाडा IRCC के बिहाफ में कनाडा इमिग्रेशन मिनिस्टर जो हैं वो तमाम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। कैनेडियन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कम्युनिटी का कहना था कि रिसेंटली कनाडा IRCC की वेबसाइट के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जो कि बैकलॉग को लेकर थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 2.1 मिलियन का बैकलॉग हो चुका है। इसका मतलब कि इस टाइम के ऊपर 2.1 मिलियन लोग जो हैं वो अपने रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अप्रैल 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक ये बैकलॉग डबल हो चुका है। तो अब कनाडा IRCC के बिहाफ में कनाडा इमिग्रेशन मिनिस्टर जो है वो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर देंगे कि ये बैकलॉग कब तक क्लियर होगा और उनकी टीम इस वक्त किन चीज़ों पर काम कर रही है और अभी तक उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है बैकलॉग के हवाले से। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों इमिग्रेशन मिनिस्टर की कि उन्होंने क्या जवाब दिया इन सारे क्वेश्चंस का। तो अब इमिग्रेशन मिनिस्टर ने जवाब दिया कैनेडियन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कम्युनिटी को कि इस टाइम कनाडा IRCC बहुत हार्ड वर्क कर रही है और उनका पूरा फोकस प्रोसेसिंग टाइम को दोबारा से स्टैंडर्ड टाइम लाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि इस टाइम कनाडा IRCC को दोबारा से तमाम चीज़ों को लाइनअप करने में मजीद वक्त लग सकता है और उनकी पूरी कोशिश है कि 2023 की लास्ट तक ये एम कंप्लीट हो जाए। अब दोस्तों इस पॉइंट को देखकर आप खुद समझ सकते हो कि 2023 का सीधा सीधा उन्होंने ये बोल दिया है कि 2023 तक सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम ही जो है वो लाइनअप किया जाएगा। इसका मतलब कि बैकलॉग को खत्म करने में उनको मजीद वक्त चाहिए। देन फिर उनका कहना था दोस्तों कि इस एम को मजीद कंप्लीट करने के लिए 11,000 एम्प्लॉयज को मजीद ऐड किया जा चुका है, जिसका उन्होंने बजट भी रिलीज कर दिया था जो कि 8,27,000,000 डॉलर का है। और उनका कहना था कि इस बजट को करंट सिस्टम मोनेटाइज करने में भी काम में लिया जाएगा। साथ ही दोस्तों उन्होंने बताया कि इस टाइम 1,56,000 PR एप्लीकेशंस को फर्स्ट क्वार्टर में ही उन्होंने क्लियर कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमने 85 मिलियन डॉलर का बजट जो है वो स्पीड अप में लगाया है जो कि PR कार्ड्स को लेकर है। उनका कहना था कि IRCC असिस्टेंट डिप्टी मिनिस्टर ऑफ ऑपरेशन मिस्टर दानियाल ने उनको रिपोर्ट दी है कि जो PR कार्ड्स पहले 128 डेज के अंदर क्लियर किए जाते थे वो अब 65 डेज में क्लियर कर दिए जाएंगे, जो कि उनके लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बताया कि एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर भी उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। उनका कहना था कि एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम को भी अब हमने काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया है और आने वाले दिनों में ड्रॉज भी कंडक्ट होना स्टार्ट कर दिए जाएंगे, जिससे कनाडा की लेबर शॉर्टेज को फुलफिल करने में आसानी होगी। और उनका कहना था दोस्तों कि आने वाले दिनों के अंदर मजीद न्यू इमिग्रेशन प्रोग्राम्स भी रिलीज किए जाएंगे, जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को कनाडा के अंदर PR हासिल करने में मदद हो पाएगी। तो बस दोस्तों यही सारी डिस्कशन हुई वहां पर और उन्होंने तमाम क्वेश्चंस का यही आंसर दिया है, जिसको देखकर लगता है दोस्तों कि 2023 तक बहुत मुश्किल है कि बैकलॉग क्लियर हो पाए। इससे मजीद टाइम लग सकता है क्योंकि उनकी टीम का कहना है कि सिर्फ 2023 की एंड तक जो है वो उनको प्रोसेसिंग टाइम को स्टैंडर्ड लाने में ही वक्त लग जाएगा
उसके बाद बैकलॉग को मजीद टाइम लग सकता है। तो इसलिए दोस्तों अभी इस टाइम के ऊपर ये बोलना बहुत मुश्किल है कि किन किन के रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं आपको, किन किन के नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं दोस्तों कि एक्सप्रेस एंट्री के अंदर उन्होंने बहुत तेजी से काम किया है, ये तो सबको दिख रहा है, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अंदर एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम पर काफी ज्यादा वर्क हुआ है और आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज भी देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।